ये क्रोशी की लेस बनाने के लिए सबसे पहले बेस लाइन बनानी है। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन वन सिंगल क्रोशे की बेस लाइन बनाएंगे, चेन वन, और फैब्रिक में इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे, चेन वन सिंगल क्रोशे। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे, और ये मैंने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था, इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन वन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चेन थ्री सिंगल क्रोशे बनाते हुए 5 टाइम हमें पिकॉट्स बनाने हैं, तो 1 2 3। अब यहाँ पर ये बेस में जाएंगे इसके, और यहाँ पर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए पिकॉट बनाना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्पेस में जाना है, सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चेन थ्री पिकॉट। चेन थ्री सिंगल क्रोशे और पिकॉट बना देंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन थ्री और बेस में इस तरह से हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 3 पिकॉट्स हो गए, ऐसे टोटल में 5 पिकॉट्स बनाऊंगी। सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस, चेन थ्री, पिकॉट। अब ये मैंने 5 पिकॉट्स बना दिए हैं। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और थ्रेड को पुल करेंगे इस तरह से। अब हमें 3 पर्ल्स ऐड करनी है। थ्री पर्ल्स ऐड करनी है, तो इस तरह से मैंने ये लूप में अटैच कर दिया है। अब हमें 1 स्पेस को स्किप करना है और नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे टाइटली। स्लिप स्टिच लगाते हुए अटैच करेंगे, ये थ्रेड को इसमें से बाहर निकाल देना है और इस तरह से इसे पुल करना है, और ये अटैच हो गई। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से। तो 5 पिकॉट के बीच में इस तरह से 3 पर्ल्स ऐड होती जाएगी। अब मैं स्टार्टिंग से सेम रिपीट करने वाली हूँ, फिर से 5 पिकॉट बनाऊंगी और इस तरह से लूप को पुल करके मैं बीच में 3 पर्ल्स को ऐड करूंगी।
फाइव पिकॉट्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे और लूप को पुल करते हुए फिर से पर्ल्स ऐड करेंगे और सेम रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे।